1983 में एक सर्वे हुआ था जिसमें लोगों से ये पूछा गया कि वो अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली में से कितने लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, और तब सबसे कॉमन आंसर निकल के आया 3 लोग। लेकिन जब यही सेम सर्वे 25 साल बाद 2008 में हुआ, तब लोगों का कॉमन आंसर था 0। यानी आज के समय पर नए दोस्त बनाना, अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करना या फिर लोगों का ट्रस्ट हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है कि हम अपनी सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप करें। पहले क्या होता था, हमारे ऊपर कॉन्स्टेंट प्रेशर होता था कि हम अपने घर से बाहर निकलें, हम लोगों से बात करना सीखें, बिकॉज अगर हमारे को कोई भी चीज़ चाहिए होती थी वो चीज़ मिलती थी लोगों से बात करके। मुझे याद है अगर बचपन में हमें डोमिनोज का ऑर्डर भी प्लेस करना होता था, हमारे पास कुछ जोमैटो स्विगी ऐसी ऐप्स नहीं होती थी, हमें कॉल पर बात करनी होती थी, और मुझे इतनी एंजाइटी होती थी कि मैं अपनी मम्मी को या फिर अपनी बहन को बोल देता था कि मेरे लिए ये वाला पिज्ज़ा का ऑर्डर प्लेस कर दो। लेकिन आज ये कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज अगर हम ऑनलाइन किसी से बात भी कर रहे हैं और अगर हमें उसकी कोई बात नहीं पसंद आई या फिर हम उससे बात नहीं करना चाहते, हमें उसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे तुम्हारी ये वाली बात नहीं पसंद। हम क्या करते हैं, हम उन्हें सिंपली गोस्ट या फिर ब्लॉक कर देते हैं। और सोचो, जिस तरीके से अगर हम अपनी बॉडी को मूव नहीं करते तो हमारी मसल्स वीक होने लग जाती हैं, बिल्कुल ऐसी अगर हम रेगुलरली अपनी सोशल इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करते तो हम यही भूल जाते हैं कि सोशलाइज करते कैसे हैं। इसी वजह से आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम वो कौन सी गलतियां बार बार रिपीट करते हैं जिस वजह से आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग सैड, सिंगल और लोनली हैं, और हम क्या करें जल्दी से जल्दी अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 1, यू क्रिटिसाइज और कंप्लेन अलॉट। दूसरे लोगों में कमियाँ निकालना या फिर उनको क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी होता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ एम्पथाइज कर पाना और ऐसे लोगों को समझ पाना जिनसे आप अग्री नहीं करते हो, इस चीज़ के लिए एक बहुत स्ट्रांग करेक्टर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या फिर अगर ऑनलाइन कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद नहीं करते हो या फिर वो आपको फेक लगता है, इमेजिन करो कि आप उसकी जगह पर हो और आपके पास भी वही सेम लाइफ के एक्सपीरियंसेस, वही सेम बचपन के एक्सपीरियंसेस, वही सेम ट्रॉमास, वही सेम पेरेंटिंग, वही सेम जेनेटिक्स हैं जो उस इंसान के पास हैं। अगर आपको भी हम वही सारी चीज़ें दे दें जो उस इंसान को मिली है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तो क्या आप डिफरेंट होते हैं? द आंसर इज नो। आप भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा वो इंसान है जिसे आप पसंद नहीं करते हो। और आपको पता है, एक ऐसा इंसान जिसकी सोशल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है, जब भी वो ऐसे लोगों से सराउंडेड होता है जो काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं या फिर उनकी सोच उससे मैच नहीं करती है, तब ये चीज़ उसे ऑफेंड नहीं करती है, बिकॉज वो समझ जाता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनकी पेरेंटिंग डिफरेंट है, और इट्स ऑब्वियस कि हमारी सोच में भी डिफरेंसेस होंगे, एंड इट्स ओके। ये होती है सोशल इंटेलिजेंस, कि इवन दो हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम इन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जबकि जिस भी इंसान की सोशल इंटेलिजेंस काफ़ी लो होती है, वो पता क्या करता है, वो दूसरे इंसान की मुंह पर ही बुराई कर रहा होता है, वो कंप्लेन कर रहा होता है, वो क्रिटिसाइज कर रहा होता है, और ऐसा इंसान दुनिया में कभी भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकता। व्हाई? बिकॉज अगर आपको किसी इंसान को चेंज करना है तो आपको उसके अंदर मौजूद अच्छाई से बात करनी होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एपिसोड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाए, मेरे को पता है क्या करना है, मेरे को बस आपके अंदर मौजूद उस रोशनी से, आपकी पोटेंशियल से, आपकी अच्छाई से बात करनी है, और वो चीज़ लिटरली ग्रो करेगी। बट अगर मैं हर समय आपको क्रिटिसाइज करता रहूँ, मैं आपकी बुराई करता रहूँ, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। मेरे को आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है दैट यू आर मोर देन यू थिंक। आप वो हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। और इस चीज़ को अगर हम एक स्पिरिचुअल लेंस के साथ देखें, आप बेसिकली पता है क्या कर रहे होते हो, जब भी आप दूसरे इंसान की तारीफ कर रहे होते हो बजाय उसकी बुराई करने के, आप बेसिकली उसके बैगेज को कम कर रहे होते हो। जब भी आप दूसरे को ये बोलते हो कि तेरे अंदर ये कमी है या फिर तेरे को अपना ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर तेरे को इनसिक्योर होने की ज़रूरत है, तू कितना बुरा इंसान है, आप दूसरे इंसान की बैगेज को बढ़ा रहे होते हो। उसको ये लगता है कि उसे अब और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसे और चीज़ से डील करना है। लेकिन जब भी आप दूसरे इंसान की पोटेंशियल से, उसकी अच्छाई से बात कर रहे होते हो, आप उसको ये रियलाइज़ कराते हो कि अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरा इतना ट्रॉमा है, मेरी इतनी सारी बैगेजेस हैं, लेकिन ये सामने वाला इंसान मेरे को इनकरेज करते हुए बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें तो इररेलेवेंट हैं। आप लिटरली उनके कार्मिक लोड को कम कर देते हो जब भी आप उनकी पोटेंशियल से और उनकी अच्छाई से बात कर रहे होते हो। आप दूसरे इंसान को स्पिरिचुअली ग्रो करवा सकते हो लिटरली उनकी तारीफ करके। ये होता है मैजिक जब भी आप दूसरे को एनकरेज करते हो, और तभी दूसरों को एनकरेज करना बहुत बेटर होता है उनको क्रिटिसाइज करने से। नंबर 2, यू डोंट रिस्पेक्ट देयर सीक्रेट्स। स्कूल से लेके अब तक मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो भी इंसान मेरा दोस्त बना है या फिर जिस भी इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में आया हूँ, लोगों के लिए बहुत इजी रहा है अपने डीपेस्ट और डार्केस्ट सीक्रेट्स को मेरे साथ शेयर करना, और बहुत कैजुअली उन्होंने मेरे को ऐसी बातें बताई हैं जिनको वो अपने साथ भी दोबारा से रियलाइज़ नहीं करना चाहेंगे। और जब भी कोई इंसान आपके साथ अपने डीपेस्ट या फिर डार्केस्ट सीक्रेट्स को शेयर करता है, वो बस एवं नहीं शेयर करता है, वो पहले
कोई छोटा सा सीक्रेट आपको बता कर देखता है कि आप उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी मैं किसी कई लोगों के साथ ग्रुप में होता था और कोई इंसान या तो ड्रंक होके या फिर ट्रस्ट करके हमारे को अपनी सीक्रेट बता रहा होता था, तो आसपास के ज़्यादातर लोग या तो उस पर हंस रहे होते थे या फिर वो ऐसे लोग होते थे जो बहुत ईजिली वो सीक्रेट किसी को भी बता देंगे। और ये चीज़ दूसरे इंसान को कन्वे करती है कि आप वो इंसान हो ही नहीं जिस पर वो रिलाई कर सकता है। आपको दूसरे लोगों की लाइफ में वो इंसान बनना है जो एक रॉक की तरह है, एक चट्टान की तरह आपको बनना है, कि वो कुछ भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके आगे रख दें, आपका एकदम स्ट्रेट फेस रहना चाहिए। आप ना एकदम हंस रहे हो, ना मजाक उड़ा रहे हो, और ना एकदम आप खुद टेंशन से भर गए, बिकॉज दूसरा इंसान अगर अपनी चोट आपके आगे दिखा रहा है और आप उस चोट को देख के खुद परेशान हो गए, तो आप दूसरे की परेशानी और दूसरे की सफरिंग को बढ़ा रहे हो। बट इफ़ यू कैन बी मैच्योर, अगर आप खुद के माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि दुनिया में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आई कैन हैंडल दैट, मैं उस चीज़ को सुनने के बाद भी, इतने बुरे इंसिडेंट्स को कंज्यूम करने के बाद भी नॉर्मल वे में एक्ट कर सकता हूँ, एटलीस्ट प्रिटेंड कि आप इतने मैच्योर हो, तब दूसरे इंसान को ये लग जाता है कि हाँ आप वो इंसान हो जो मुश्किल समय में उसको धोखा नहीं देगा। नंबर 3, यू नेवर स्माइल। ये स्टोरी शायद मैंने आपको पहले भी बताई है कि कुछ महीनों पहले जिम में कई मेरे पुराने स्कूल के क्लासमेट्स आए हुए थे, तो उनमें से एक लड़की के साथ मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ एंड शी गेव मी द मोस्ट गर्लीएस्ट, मोस्ट फेमिनिन, मोस्ट जेन्युइन स्माइल एवर। बट उस समय पर मैं एक हैवी बेंच प्रेस का सेट मारने वाला था और मैं अपने दिमाग में जितनी डार्क चीज़ों के बारे में सोच सकता था वो सोच रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत अग्रेसिव सा फेस बनाया और मैंने उस लड़की की तरफ देखकर किया, और इमीडिएटली मेरे दिमाग में मैंने सोचा, यार सौरभ, दैट वॉज वेरी रूड, जस्ट बिकॉज यू आर इन अ सर्टन मेंटल स्टेट और आप एक सर्टन टास्क को परफॉर्म करने वाले, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों को इतनी नेगेटिव एनर्जी या फिर इतना रूडनेस दोगे। और आज के समय पर ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, हमारे पास काइंड ना होने के भी रीज़न होते हैं, हर चीज़ का हमारे पास एक्सक्यूज़ होता है, हम ये बोल रहे होते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ उतना प्यार से बिहेव नहीं करते बिकॉज हमारे तो खुद ही लगे हुए हैं, और हमने किसी को अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया बिकॉज हम तो अपनी ही प्रॉब्लम्स में व्यस्त थे। ये सारे एक्सक्यूज़ हैं। दुनिया में इतने सारे सैड, सिंगल और लोनली लोग इसलिए ही हैं बिकॉज हम एक दूसरे को देखकर स्माइल नहीं करते हैं और हम एक दूसरे को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। नंबर 4, यू नेवर प्रैक्टिस टॉकिंग। जितना ज़्यादा आप सोशलाइज करोगे, दूसरे लोगों से बात करने की आदत डालोगे और फिर अपनी उन कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज करोगे, उतना ही आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव होंगी। लेकिन ज़्यादातर जो सोशली एंशियस लोग होते हैं या फिर जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उन्हें भी ये डीप इनसाइड पता होता है कि अगर उन्हें खुद की स्किल्स को इंप्रूव करना है तो उन्हें भी बाहर जाके लोगों से बात करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट बिकॉज एक इंट्रोवर्ट के लिए किसी इंसान से बात करना इतना मुश्किल होता है, तो वो बता क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं और वो एक नेवर एंडिंग प्रिपरेशन के प्रोसेस में खुद को अटकाए रखते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना है। जिस पॉइंट पर आप ये रियलाइज कर लेते हो कि हाँ मुझे बाहर जाकर दूसरे लोगों से बात करने की ज़रूरत है, उसी पॉइंट पर अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में या फिर अपने रिलेटिव्स के बीच जो भी इंसान आपके पास है, जिस भी इंसान का एक्सेस आपके पास है, उसके पास जाओ और उससे बात करना शुरू करो। जो भी टैक्टिक्स आज आपने सीखे कि आप दूसरों को देखकर स्माइल करो, आप उनके लिए एक सेफ स्पेस बनाओ या फिर आप उनकी अच्छाई को एम्फसाइज करो, इन टैक्टिक्स को अपने आसपास के लोगों पर अप्लाई करके देखो। और अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो हिंदी में लोगों से कम्युनिकेट करने के और आप चाहते हो कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओ, तो अपने आसपास के लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरू करो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सको या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील होता है, तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है कैम्बली। कैम्बली दुनिया भर के लोगों को इंग्लिश बोलने में मदद करता है आपको डायरेक्टली यूके, यूएसए और कैनेडा के नेटिव इंग्लिश स्पीकर से जोड़ के। यहाँ पर प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस भी होती हैं जहाँ पर आपको आपके ट्यूटर बिना किसी जजमेंट के एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने में मदद करते हैं। आप यहाँ पर आइल्स कोर्स, बिजनेस इंग्लिश और वन ऑन वन प्राइवेट ट्यूटरिंग के लिए भी इनरोल कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कैम्बली पर सब्सक्राइब करो एंड यूज कोड SG27 टू गेट एन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। नंबर 5, यू नेवर गेट देम टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। आउटसाइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन वी आल्सो डू अ लॉट ऑफ ब्रांड कंसल्टिंग, और हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी हम अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, अगर हम उन्हें किसी तरीके से मजबूर कर सकें कि वो खुद के बारे में ही बोलना शुरू कर दें, देन वी सेल देम विदाउट इवन सेलिंग देम, विदाउट एनी एफर्ट हम उनको अपनी सर्विसेज दे पाते हैं। और ये चीज़ 48 लॉज ऑफ पावर में भी बताई गई है कि ज़रूरत से कम बोलो, बिकॉज अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोले जा रहे हो, जितना आपको बोलना है उससे ज़्यादा अगर आप अपनी ज़बान चलाते हो, होता क्या है, आप ऐसे लगते हो जैसे आपको खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आपको खुद को बेचने की ज़रूरत है और आपका स्टेटस कम लगता है।
आप कॉमन अपीयर करते हो, आप ऐसे ही लगते हो जैसे हर कोई होता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो, आपके पास सही आंसर से ज़्यादा सही क्वेश्चंस मौजूद होने चाहिए। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे दूसरा इंसान खुद ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दे कि क्यों उसे आपकी दोस्ती, आपका रिलेशनशिप या फिर आपकी सर्विसेज चाहिए। अगर वो इंसान खुद अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, गेम बहुत ईजी हो जाती है और जो भी हम उससे चाहते हैं वो हम उससे ले सकते हैं। नंबर 6, यू फॉरगेट द बेसिक्स। जितना ज़्यादा मेरा लोगों के साथ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा मैं लोगों के साथ बात करता हूँ और इवन जितना मेरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये एक बुक जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये इतनी सिंपल, इतनी बेसिक येट इतनी एक्यूरेट है कि इसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब मल्टीपल लेवल्स पर आप इसमें दिए प्रिंसिपल्स को स्टडी कर सकते हो और इसके प्रिंसिपल्स टूटते ही नहीं है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। येट होता क्या है, इतनी सिंपल नॉलेज को लोग ओवरलुक करते हैं। मतलब आज जैसे हमने इस चीज़ के बारे में बात की कि जब भी आप किसी इंसान को देख रहे हो, जस्ट स्माइल, बस उनको देख के अगर आप बस स्माइल करोगे तो उससे भी आप फ्रेंडशिप अपनी बढ़ाते हो, उससे भी आपका रिलेशनशिप डीप बनता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अपनी अकड़ में इन चीज़ों को ओवरलुक करते हैं और इसी वजह से आज ज़्यादातर लोगों के कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो लोनली हैं, वो सिंगल हैं। लोगों को समझना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हम ये गलती कर रहे होते हैं कि हम अपने साथ ही इतना ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि दूसरे इंसान को चाहिए क्या या फिर हम उसको अच्छा कैसा फील कराएं। इसी वजह से आपका आज का होमवर्क ये है कि अगर आपके पास ये बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो इसमें दिए गए किसी भी प्रिंसिपल को एक्चुअल में अप्लाई करके देखो या फिर जो भी आज हमने बात की है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की है कि दूसरे की अच्छाई को बाहर निकालो। तो जब भी आपकी किसी से लड़ाई होती है, फिर आप किसी से भी घर में आर्ग्यू कर रहे होते हो, आपके पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, फ्रेंड से, किसी से भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, हमेशा की तरह उनसे वापस से आर्ग्यू करने के बजाय उनकी तारीफ करके देखो। एक्चुअल में मतलब कुछ मजाक की बात नहीं कर रहा मैं कि हाँ रैंडमली आप बोल दो कि आपके जूते अच्छे लग रहे हैं, नहीं, एक्चुअल में उनकी कोई करेक्टरिस्टिक, कोई क्वालिटी को पकड़ो जो आपने एक्चुअल में नोटिस करी है और उनको बताओ कि पापा, मम्मी, भाई, बहन या फिर मेरे दोस्त, मैंने तुझ में ये चीज़ देखी और ये चीज़ तू बहुत अच्छा करता है, तो तू इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। कभी उसकी तारीफ करके देखो और फिर देखो कि ये बेसिक सी साइकोलॉजी कितना लाइफ चेंजिंग रिजल्ट देती है आपको।